नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और आज आप लोगों के लिए मैं शोल्डर एक्सरसाइज लेकर आया हूं। और अगर आप शोल्डर एक्सरसाइज को स्किप करते हैं अपने शेड्यूल में तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। चलिए आज शोल्डर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो तीन सेट लगाने हैं और तीन सेट में आपके 8 से 12 रिपीटेशन होंगे कुछ इस तरह से। चलिए स्टार्ट करिए। आपको अपने सर को ऊपर ले जाना होगा और एक स्ट्रेट बॉडी को करते हुए ये रिपीट करना होगा। आपको 3 सेट में 8 से 12 रिपीटेशन लगाने होंगे। दोस्तों, आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो पुलिंग मशीन पे होगी, जिसको आप बैक पुल डाउन बोलते हैं, और इसके आपको 4 सेट लगाने हैं जिसमें आपके 8 से 10 रिपीटेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करिए। आपको वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लेना है जो आपका स्ट्रेंथ हो, और उसके बाद आपको बहुत स्लो हाथ में, सदे हुए हाथों में इसको बहुत ही आराम से करना है, जिससे आपका जो इफ़ेक्ट हो वो शोल्डर पर ज़्यादा पड़े। इसमें आपका जो फ्रंट शोल्डर होता है ये ऊपर आएगा, और याद रखना 8 से 10 रिपीटेशन लगाना है, लेकिन सही से लगाना है। वेट लगाना होगा कुछ इस तरह से। आपकी तीसरी एक्सरसाइज जो होगी वो इसको बोलते हैं रिवर्स पेक डेक फ्लाई, और इसके भी आपके 4 सेट होंगे जिसमें आपके 8 से 10 रिपीटेशन होंगे। आप पहला सेट कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। आपको वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगाना है। आप 10 kg 15 kg लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, और इसको पूरी तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसमें आपका जो है बैक शोल्डर अपर जो होगा वो उठकर सामने आएगा, और बहुत ही अच्छा लुक दिखेगा आपको जब ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको ये स्लो मोशन में करना है। हमेशा याद रखना, ज़्यादा वजन उठाने से बॉडी नहीं बनती है, कम वजन उठाने से और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है। हाँ, स्टार्ट करिए। ये आपका रिवर्स पेक फ्लाई है, जिसमें आपका ये दूसरा सेट चल रहा है। आपको ये बैक जो दिख रहा है, ये कट्स दिख रहे हैं, ये आपका रिवर्स पेक फ्लाई में आएगा। ये आपके शोल्डर का तीसरा सेट होगा। इसको हम लोग बैक में भी करते हैं, लेकिन वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से करते हैं। आप थोड़ा सा हैंड को अपने पीछे रोकिए। चलिए स्टार्ट करिए। आपको याद रखना होगा 8 से 10 रिपीटेशन लगाना है 4 सेट में। दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपका जैसे जैसे सेट बढ़ेगा, जैसे आपको इसी पेक फ्लाई रिवर्स में तीसरा सेट लगाना है या दूसरा सेट लगाना है, तो याद रखना अगर आपने फर्स्ट सेट में 10 kg लगाया है तो आपको सेकेंड सेट में 15, थर्ड सेट में 20, और फाइनल सेट जो आपका जो होगा वो ट्राई करना कि हैवी 25 के साथ। गाइस, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको मशीन पुश प्रेस बोलते हैं। इसको आप रॉड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जिम में मशीन किसी के पास है तो आपको मशीन से प्रेस मारना है, वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना है और स्टार्ट करना है। इसके भी आपके 3 सेट होंगे जिसमें से आपको 12 से 15 रिपीटेशन लगाने होंगे। चलिए स्टार्ट करिए। इसमें 2 ग्रिपिंग होती है, आपको याद रखना होगा कि आपको बैक साइड से ग्रिपिंग पकड़ना है। चलिए पीछे से ग्रिपिंग करिए, स्टार्ट करिए। वेट आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और इसके आपको 3 सेट करने हैं जिसमें आपके 12 से 15 रिपीटेशंस होंगे। मशीन में गाइस जो दोनों साइड इसमें आपको दिख रहे हैं रॉड लगे हुए हैं, इसमें जो पावे दिख रहे हैं आपको, उनका ओवरऑल वेट 25 kg होता है। गाइस, इसी में आपको अभी तक जो चल रहा था उसको फ्रंट मशीन पुशअप बोलते हैं, अब इसको आपको रिवर्स लगाना है। चलिए रिवर्स स्टार्ट करिए। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और हर सेट में आपको वेट को बढ़ाते रहना है। गाइस, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बारबेल ओवरहेड, जिसमें आप वेट भी डाल सकते हैं, और अगर आपका रॉड हैवी है, जैसे कि यहाँ पे जो आपको सामने रॉड दिख रहा है इसका वेट 14 kg है, तो आप
पहला सेट रॉड से मार सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। इसको आपको स्लो करना है ताकि आपके शोल्डर पे इसका असर दिखाई पड़े। इसके अभी आपको 3 सेट लगाने हैं जिसमें आपके 10 से 12 रिपीटेशंस होंगी। जस्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको सीटेड डंबल लगाने हैं और इसके आपके 3 सेट होंगे जिसमें आपके 12 से 15 रिपीटेशंस होंगी। चलिए स्टार्ट करिए। आपको सेम वेट के 2 डंबल उठाने हैं और अपने शोल्डर पे प्रेस करना है और स्ट्रेट ऊपर की ओर ले जाना है। स्टार्ट करिए। आपको सेट जैसे ही चेंज होगा वेट को बढ़ा लेना है और इसमें हैवी शोल्डर पे वेट को प्रेस करना है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसको बोलते हैं फ्रंट राइज, जिसमें आपको प्लेट को हाथ में उठाना है और इसको ऊपर की ओर ले जाना है। चलिए स्टार्ट करिए, दिखाइए कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करिए। वेरी गुड, स्लो करिए। इसको आपको सर के सामने और थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना है और ना ही ज़्यादा नीचे ले जाना है। अपने हाथ को साधते हुए करना है और इसमें दोस्तों आपका जो शोल्डर सामने का होता है वो राइज होता है। हाँ, यहाँ पे आपका जो शोल्डर है इसका इफेक्ट आएगा। गाइज, अभी आप जो डंबल मार रहे थे कि अगर आपका डंबल सही से नहीं हो पा रहा है तो आप इसको क्रॉस ओवर में आके मशीन से कर सकते हैं केबल के थ्रू। चलिए वेट लगाइए। आप वेट इसमें हल्का सा लगाइए, 10 kg, 5 kg, और इसको फ्रंट में करना है। रॉड डालिए इसमें कुछ इस तरह से, बॉडी स्ट्रेट रखिए और स्टार्ट करिए। हाँ, अब इसका आपका क्या होगा कि अगर आपका डंबल या प्लेट जो अभी आप कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट आपका जाएगा। इसको आपको स्लो मोशन में करना है और इसके आपके 3 सेट होंगे जिसमें 10 से 12 रिपीटेशन होंगे। बहुत ही अच्छा इसका असर आता है शोल्डर पे। गाइज, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको केबल से स्टैंडिंग मारना है जो शोल्डर पे प्रेस होता है। आप वेट अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हैवी लगा सकते हैं, 30 kg to 50 kg। चलिए स्टार्ट करिए, दिखाइए। इसको आपको नेक तक ले जाना है अपने और इसको स्लो मोशन में नीचे की ओर छोड़ना है कुछ इस तरह से। इसके भी आप 3 से 4 रिपीटेशन लगा सकते हैं। अगर आप 3 रिपीटेशन लगाते हैं तो आपको 10 से 12, और अगर आप इसके 4 सेट करते हैं तो आपको 8 से 10 रिपीटेशन लगाने होंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। स्टार्ट करिए। बॉडी को आपको थोड़ा सा बैंड करना होगा और डंबल को इस तरह से राइज करना होगा। इसको डंबल राइजिंग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। इसमें आपको याद रखना होगा चेस्ट और शोल्डर दोनों एक साथ ऊपर की ओर जाएंगे और ये आपको कम से कम 15 से 18 रिपीटेशन लगाने हैं जिसके 3 सेट होंगे। आप इसमें हैवी वेट ले सकते हैं। दोस्तों, आज का शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो बिगनर के लिए यहीं पे समाप्त। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।